हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आ रहा है NCL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। बाकी अगर आप अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप करके लाइक करके छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, जो वैकेंसीज निकाली गई है लगभग 700 प्लस वैकेंसी है, जिसमें डिप्लोमा डिग्री व ITI के फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अब बात करें अप्रेंटिसशिप क्या होता है, अप्रेंटिसशिप करने का क्या फ़ायदा होता है। देखिए, अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें जब आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको कंपनी में कैसे वर्क करना है, कंपनी किस प्रकार से रन करती है, चीज़ें सिखाई जाती है। अप्रेंटिसशिप का फायदा यह होता है कि जब भी कंपनी में परमानेंट वैकेंसी आती है तो वहां पर आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। यहाँ पर सभी रीजन के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो आप जिस भी रीजन में सुटेबल होंगे उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी जो है NCL यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक मिनी अपना कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड का। देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी है, 10/7/2023 को जारी किया गया है और ये वैकेंसीज निकाली गई। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएट, डिप्लोमा यानी कि टेक्नीसियन और यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस भी निकाली गई है, तो आप लोग इसमें ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग पोजीशन के लिए, अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 700 प्लस वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में मध्य प्रदेश रीजन वालों के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, इसमें टोटल 225 वैकेंसीज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें बात करें अगर उत्तर प्रदेश रीजन के लिए जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, इसमें टोटल 155 वैकेंसी है, जिसमें अगर बात करें कौन कौन से ब्रांच के एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ कॉमर्स, साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो इन सभी के ब्रांच के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश रीजन के लिए, यहाँ पर टोटल 153 वैकेंसी है, जिसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके बाद डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश रीजन के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट उत्तर प्रदेश रीजन के हैं, तो यहाँ पर इसमें टोटल उनके लिए 167 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें डिप्लोमा अगर आपने किया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, फिर माइनिंग इंजीनियरिंग में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, कोई अप्लाई फीस नहीं है, आपका जो सिलेक्शन होगा वो डायरेक्ट मेरिट बेसिस होगा। ठीक है, अब इसमें हम बात कर लेते हैं आपका जो इसमें जनरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है कुछ यहाँ पर, तो इसमें इंडिया में आप कहीं से बिलोंग करते हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, मैक्सिमम एज जो है वो 26 साल रखा गया है। अब बात करें इसमें इंपॉर्टेंट डेट का, तो इसमें अप्लाई जो स्टार्ट होगा वो 20/7/2023 से होगा। हालांकि वैकेंसी जो है 10/7/2023 10 जुलाई को जारी किया गया था, लेकिन आप आज से इसमें अप्लाई, कल से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 20 जुलाई से। और जो अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 3/8 मतलब कि 3 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब कि जो आपका शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका रिजल्ट जो है वो 10/8/2023 को जारी कर दिया जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग जो होगी वो 21/8/2023 से हो जाएगी। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनके ईमेल पर या फिर मोबाइल नंबर पर मेल जाएगा, मोबाइल नंबर पर मैसेज जाएगा, फिर ईमेल पर मेल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से ये आपका सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा टोटल। अब बात करें इसमें जो आपका अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट दिया गया है, द कैंडिडेट मस्ट हैव एन एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होना चाहिए और सीधे आपको विजिट करना है www.nclcil.in। ठीक है, तो ये NCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने का जो प्रोसेस है MHRD नेट्स पोर्टल के थ्रू नहीं होगा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आती हैं उसमें NATS पोर्टल सही से वर्क करता ही नहीं है, तो इसमें काफ़ी का कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर NATS के थ्रू आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको NCL की या फिर NCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा, वहाँ पर अप्लाई लिंक मिल जाएगा, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको अप्लाई करने का लिंक जो है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सीधे आप वहां पर क्लिक करके अप्लाई वाले पेज पर पहुंचकर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं इसमें जरूर से अप्लाई कीजिए, काफी अच्छा चांस है और सबसे अच्छी बात है कि यह एक PSU कंपनी है।
ठीक है। तो इसी प्रकार से टेक्निकल फ्यूचर जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वहाँ पर उनका हम स्क्रीन शॉट हो गया, फिर उनसे जो भी जानकारी मिलती है वहाँ पर हम सेंड कर देते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।